तुम्हारा नाम मेरे हाथ से तो मिट सकता है लेकिन मेरे दिल से नहीं। अभी और इसी वक्त जोया को तलाक दो। तुम्हें छोड़ के जाने को दिल नहीं कर, प्लीज मुझे रोक। आज मैं आपसे अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगता हूँ, वो आपकी बात नहीं टालेगी, उसे किसी तरह राजी करें आप। समीर को इस घर में रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुझे जोया से शादी करनी होगी। ओहो, ये तो मान पड़ गया है, पॉलिश करानी पड़ेगी। अजमीर, अजमीर माँ जी, माँ जी आपने अजमीर को कहीं देखा है? मैं उसके कमरे में गई थी उसे नाश्ता देने, वो वहां पे नहीं था। नहीं बेटा, मैंने तो कहीं नहीं देखा। मेरे ख्याल से तुम्हारे अब्बा जी के साथ कहीं गया होगा। माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? मैं आपकी हेल्प कराऊं? बेटा मैं जोया को बरी में चढ़ाने के लिए सेट निकाल रही थी, मगर देखो मुझे तो लगता है ये मान पड़ गया है, पॉलिश करानी पड़ेगी, है ना? जी मान तो पड़ गया है लेकिन है काफी भारी। आप ये सेट जोया को देंगी? हाँ बेटा, ये अजमेर की नानी का सेट है, उन्होंने मुझे दिया था अजमेर की दुल्हन को देने के लिए। बहुत लाड करती थी अजमेर से। कितना संभाल के रखा है ना आपने इसे, पता नहीं जोया कदर भी करेगी कि नहीं। क्या मतलब? अम्मा जी आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों के तो नखरे ही बहुत होते हैं, उन्हें तो हर चीज नए जमाने की चाहिए, और अपनी जोया तो ठहरी डॉक्टर, पता नहीं वो ये सेट पहनेगी भी कि नहीं। मैं तो कहती हूँ रहने ही दें इस सेट को। अब देखिए ना, आप इतने चाव से उसे देंगी और अगर उसने ना पहना, आपका तो दिल बुरा होगा ही ना, और वैसे भी शादी ब्याह वाला घर है, आपकी माँ की निशानी इधर उधर हो गई तो फिर मैं क्या करूँ? जोया को बरी में क्या चढ़ाऊं? मैंने तो अजमेर की दुल्हन के लिए यही सेट रखा हुआ था बेटा। आप ऐसा करें कि जब जोया रुखसत होके इस घर में आएगी ना, तो उसे कोई नया सेट ले दें, बल्कि यही सेट दे दें, लेकिन कम से कम आपकी नजरों के सामने तो रहेगा ना। फिलहाल जोया को कोई नकली सेट दे दें। ये क्या, मेहंदी नहीं लगाई तुमने? हाँ तो मैंने तुम्हें कहा तो था कि जब तक तुम नहीं लगाओगे मैं किसी से मेहंदी नहीं लगाऊंगी। कितनी जिद्दी हो तुम जोया, मुझे भला मेहंदी लगानी कहाँ से आ गई यार। अच्छा ना, अपना नाम ही लिख दो। ऐसे नहीं मानोगी ना तुम? पागल। लिखो ना। अरे रुक जाओ, इतनी बेसब्री क्यों हो रही हो तुम? क्या हुआ? अपनी राइटिंग तो देखिए इंजीनियर साहब। इंजीनियर्स की राइटिंग ना डॉक्टर से बहुत बेहतर होती है। ये क्या किया? मिटा दिया। बुरा लग रहा था ना मेरा नाम तुम्हें अपनी हथेली पे। राइटिंग बुरी लग रही थी, तुम्हारा नाम नहीं। नाराज क्यों हो रही? तो दोबारा लिख देता। कोई जरूरत नहीं है, हाथ पे लिखे नाम कोई मजाक नहीं होते। एक बार लिख दिया, फिर मिटा दिया और फिर दोबारा लिख दिया। अरे इस तरह नाराज होके मत जाओ जोया, आज माइयों है हमारा, थोड़ी देर रुक जाओ। छोड़ो मेरा हाथ, सब मुझे नीचे ढूंढ रहे हैं। कुछ नहीं होता जोया, तो मैं तुम्हारी जिद से परेशान हूँ यार, नाराज होके जा क्यों रही हो जोया?
इजमीर एक बात याद रखना, तुम्हारा नाम मेरे हाथ से तो मिट सकता है लेकिन मेरे दिल से नहीं। सोया तुम्हारा सेट कहाँ है? पार्लर वाले सूटकेस में रखना है। वो मैंने अम्मी को कह दिया, लेकर आ रही हूँ। अरे मैं सदके जाऊँ, मेरा बच्चा, मैं सदके वारी अपने पुत्र तू हो मेरा बच्चा, ठीक है? ये मुझे बता दे बता दे। जोया बेटा, ये सेट पार्लर ले जाने की क्या जरूरत है, वापस आके पहन लेना। रास्ते में कहीं खुदा ना खास्ता डकैती होगी या किसी ने छीन लिया तो? छीनने वाला भी पछताएगा। अरे ये सेट तो नकली है, नकली। बेटा जरा बाहर जाके देखना तो, काम ठीक हो रहा है, कुछ रह तो नहीं गया? जी। अम्मा क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ, मैंने ये बाल जो है ना धूप में सफेद नहीं किए। अरे मैं तो खोटे और खरे इंसान को एक नजर में पहचान जाती हूँ, ये तो फिर सेट है। अरे ये नगमा और रहमत क्या समझते हैं कि हम लड़के वाले हो गए तो जो मर्जी आए हम करें। ठीक है अम्मा, मैं अभी जाके उनकी गलत फहमी दूर करती हूँ। अम्मी अम्मी आप कहीं नहीं जाएंगी। क्यों क्यों नहीं जाऊंगी? छोड़ो मेरा हाथ, मैं भी जरा नगमा से जाके पूछूं कि उसने समझ क्या रखा है हमें। लड़की वाले, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी हर बात बर्दाश्त करेंगे। दो मिनट में दिमाग ठिकाने लगा दूंगी उनका। अम्मी प्लीज, अब ऐसा कुछ नहीं कहेंगी। क्यों नहीं करेंगी, जरूर करेंगी। चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, चलो। अम्मा जी प्लीज, आप तो बुजुर्ग है ना, आपको तो अम्मी को समझाना चाहिए, उल्टा आप उनको गुस्सा दिला रही है। अम्मी आप जानती है ना मुझे सोने और चांदी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा जेवर तो मेरी तालीम है जो आपने सबसे लड़के मुझे दिलवाई है। प्लीज इतनी सी बात को इशू मत बनाएं, प्लीज। आई नो, ये इतनी सी बात है? अम्मा जी प्लीज आप चुप हो जाएं। नो, हम इसके लिए तड़प रहे हैं और ये हमें चुप कराई जा रही है। जो चीज में आए पहन लो, जैसा भी है, खोटा है, खरा है, बुरा है, पहन लो हमारी बला से। सोया अम्मी, अम्मी प्लीज, आज मेरी शादी है ना, मैं नहीं चाहती कि कोई भी बदमस्की हो। प्लीज अम्मी, मेरी खातिर प्लीज। ठीक है फिर तुम मेरी एक बात मानोगी? बोले। तुम ये सेट नहीं पहनोगी, तुम हमारा सेट पहनोगी ताकि उनको भी पता चले कि रहमत अली की अकलौती बेटी कोई गिरी पड़ी नहीं है जो नकली सेट पहने अपनी शादी वाले दिन। आपका निकाह बाइवज़े हक मेहर 5,00,000 रुपए सिक्का राइजुल वक्त अजमीर वल नेमत अली के साथ पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? आपको निकाह कबूल है? आपको ये निकाह कबूल है? मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ नगमा, नायला बता रही थी कि तुम्हें मुझसे बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है जो तुम वहां नहीं कर सकती थी? जी वो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जोया ने हमारा वाला सेट क्यों नहीं पहना, अपने जहेज का सेट क्यों पहना है? वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। शर्म तो नहीं आती ऐसे सवाल पूछते हुए? इसमें शर्म की क्या बात है, मुझे पूरा हक है ये बात जानने का। अब मैं सिर्फ आपकी देवरानी नहीं, जोया की सास भी। सास? अम्मा ठीक ही कहती हैं कि इंसान को उसकी औकात से बढ़कर अगर इज्जत मिल जाए ना तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। क्या बात है रखना, क्या हो रहा है? आइए आइए, आप ही की कमी रह गई थी। किस लहजे में बात कर रही हैं आप? उसी लहजे में बात कर रही हूँ जिस लहजे में आप जैसे छोटे लोगों से बात करनी चाहिए। वो सोच समझ के बात करें,
मैं आपकी बेटी का ससुर हूँ। अरे भैया गलती हो गई हमसे, अपनी बेटी तुम जैसे लोगों को देकर। तो ये गलती सुधारी भी जा सकती है। जोया, अजमीर भाई बाहर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, जल्दी आइए। बात तो अब बढ़ चुकी भाई साहब, सारी जिंदगी मैंने आपकी हर बात को बर्दाश्त किया है, लेकिन अब और नहीं। जिस घर से मुझे और मेरी बीवी को इज्जत मिले, मुझे उस घर से बहू नहीं लानी। नेमत अली, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये रिश्ते नाते जो है ना, ये खेल तमाशा नहीं है। तमाशा आपकी बेटी ने हमारा बनाया है। लड़के वालों को लड़की वालों के घर से इज्जत और मान मिलता है, जिल्लत और रुसवाई नहीं। अब इस रिश्ते को यही खत्म हो जाना चाहिए। हाँ तो कर देना खत्म रिश्ता, धमकी किस बात की दे रहे हैं? अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? अजमीर भाई, अम्मी आप क्या कह रही हैं? अम्मा जी हुआ क्या है? अरे तुम्हारे माँ बाप का ना दिमाग खराब हो गया है। नेमत अली, जो हुआ सो हुआ, ये वक्त इन बातों का नहीं है। लोग हाल में जमा होना शुरू हो गए। जो भी गलत फहमी है या हाजरा ने कुछ भी कहा है, तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इस मामले को यही खत्म कर। ये मामला इस रिश्ते के साथ ही खत्म होगा। बजी क्या कह रहे हैं आप? चुप करो। नेमत चाचा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ अम्मी की तरफ से। प्लीज ऐसा मत करें, अपना गुस्सा छोड़ दे नेमत चाचा, प्लीज। प्लीज इनको समझाओ ना। अरे डूब मर का मकर, डूब मर। किन लोगों के आगे हाथ जोड़ रही है? अरे ये क्या रिश्ता खत्म करेंगे? अब ये रिश्ता मुझे गवारा नहीं है। सारी उम्र तुझे अपने घर की दहलीज पे बिठा के रखूंगी, लेकिन इनके घर नहीं भेजूंगी। अभी और इसी वक्त जोया को तलाक दो। अब्बा जी, क्या कह रहे हैं आप? तूने अगर इस वक्त तलाक ना दी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तलाक दो उसे। अहमद जी, क्या कह रहे हैं? तलाक दो उसे। प्लीज, क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी, अब क्यों आए तुम यहां? मुझे छोड़कर चले गए थे ना तुम तो? सोया, उस वक्त मेरा वहां से जाना बहुत जरूरी था। तुम गए नहीं थे, तुम मुझे पुश्तैनों की तरह छोड़कर चले गए थे। बहुत समझने की कोशिश। अगर मैं सो किसके सारे छोड़ के गए थे तुम मुझे? अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? तुम्हें वहां से अपने साथ नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते थे तुम मुझे? बीवी हूं मैं तुम्हारी, तुम्हें हक था। बात समझ, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चले जाओ तुम यहां से। सोया, मेरा तुम्हारे साथ बात करना बहुत जरूरी है। गुस्सा करने से बेहतर है कि तुम दो मिनट ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन लो। मेरे कहो ना, चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से, वरना मैं खुद को कुछ कर बैठूंगी। ऐसा जुर्म हुआ मेरी बच्ची पर, सदमे से बेचारी हलकान हो गई है। कहीं खुदकुशी न कर ले, मैं जाके देखती हूँ उसे। सोया, मैं तुमसे बात किए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। अगर मैं वहां रुकता तो ये सब हमारी तलाक करवा दे। जोया, जोया बेटी, अरे जोया, अरे तुम यहां हो? अरे अरे सोया बेटी, तू अभी तक सोई नहीं? हाँ, तेरा सदमा ही इतना बड़ा है, तुझे कहां नींद आएगी? तेरा मान टूटा है ना? अरे बेटा,
जिंदगी में इससे बड़े बड़े हादसे भी होते हैं, लेकिन हादसों के बाद जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि जिंदगी जीने का ढंग बदल जाता है। मुझे बाहर जाकर ना उसका मुंह चुकी हूँ। हादसा जिंदगी खत्म नहीं करते। बदल देते। नहीं सकते। Oh my God, Zoya, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम वापस आ गई। अभी परसों तो तुम्हारी शादी हुई है, इतनी जल्दी कैसे आ गई? By the way, तुम्हारे उस आशिक शौर ने तुम्हें इतनी जल्दी कैसे वापस आने दिया? मुझे तो लगा था शादी के बाद इस्लामाबाद साथ ही ले जाएगा। वो साथ ले जाए तो नहीं सका। कुछ खराब से लग रही है ऐसे ना? काफी लोगों ने I think तुम्हें इससे मिल लेना चाहिए। वैसे भी दिल के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं, उन्हें इग्नोर करना आसान नहीं होता। और हाँ, तुम्हारा तो अजमेर से डबल रिश्ता है ना, शरई भी और दिली भी। चलो जाओ मिल लो, जाओ ना, सोच के आ रही हूँ, जाओ। क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें अच्छी तरह से जानते हो। देखो इस्मीर, ये हॉस्पिटल है और मैं ही हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कहीं चल के सुकून से बैठ के बात करते हैं, क्योंकि बात तो हमें करनी है। प्लीज पता है, जब तुम मुझे छोड़ के चले गए थे, मुझे ऐसा लगा मैं इस पूरी दुनिया में अकेली रह गई हूँ, बिल्कुल अकेली। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, सिर्फ अपना रिश्ता बचा रहा था। अब्बा जी ने मुझे दो ऑप्शन दिए, तो तुम्हें छोड़ दो या उस घर। एक घर छोड़ दिया जरा, कि तुम्हें छोड़ना तो मेरे लिए खुदकुशी के बराबर था। सिर्फ मौत ही अलहदा कर सकती है, और कोई नहीं। हमारे घर वाले हमें कभी एक नहीं होने देते। सोया, हम एक हो चुके हैं। शादी में सबसे ज्यादा अहमियत निकाह की होती है, और वो हमारा हो गया। बाकी रस्मों की कोई अहमियत नहीं। अम्मी, खैरियत इस वक्त?
तो इसलिए आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया था। हाँ ये लो साइन करो। हाजरा इसे आए हो अभी कितनी देर हुई है, आराम करने दो इसे, ये काम तो बाद में भी हो सकता है। अरे दस्तखत करने में क्या देर लगती है, एक मिनट में हो जाएंगे। चल मेरी बच्ची साइन कर दे। ये लो साइन करो। हाजरा जरा तहम्मुल से सब्र से काम दो, ऐसे काम जल्दबाजी में नहीं होते। सोया को सोचने का मौका तो दो। तुम दोनों सोचते रहो और वो जो नेमत अली है ना वो अपना काम कर गुजरेगा। अम्मा ठीक कह रही हैं नेमत साहब, आपकी इसी तहमुल मिजाजी की वजह से हमें ये दिन देखना पड़ा है। और मैंने भी ठान ली है कि आपके भाई को सबक सिखा के रहूंगी। लो साइन करो। मैं नहीं कर सकती। अरे कैसे नहीं करोगी, मैं भी देखती हूँ क्यों नहीं करोगी तुम साइन। और एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक तुम ये कागजात साइन नहीं करोगी तुम वापस नहीं जा सकती। मैं इन पे दस्तखत नहीं करूंगी। कैसे नहीं करेगी, मैं भी देखती हूँ। हाँ दस्तखत नहीं करेगी। लाए दे उठा के मुझे वो। गॉड तुमने फोन उठा लिया, गुस्से में तो तुम मेरा फोन ही नहीं उठाती हो यार। इजमीर प्लीज मुझे यहां से ले चलो, मैं यहां नहीं रह सकती। तुम रो रही हो सोया? प्लीज इजमीर मुझे यहां से ले चलो, मैं अभी यहां नहीं रुक सकती, कुछ करो प्लीज। अच्छा प्लीज, रोना तो बंद करो। आंसू साफ करो सोया, मैं कह रहा हूं रोना बंद करो और जल्दी से अपने आंसू साफ करो। कर ली। वापस आना चाहती हूँ। हाँ मेरी बात गौर से सुनो, उन पेपर्स पे साइन कर दो। Hello. Hi. क्या टेंशन है? जोया, it was just a notice. उस पे साइन कर देने से डिवोर्स हो नहीं जाती है। जो भी फैसला वो तुम्हें या मुझे करना है। टेंशन ले लेके शक्ल बिगाड़ ली है तुमने अपनी। डॉक्टर कम और मरीज ज्यादा लगने लगे। क्या हालत कर ली है तुमने अपनी, मैं तुम्हें इतना डरपोक नहीं समझ रहा। अगर इस तरह छोटी छोटी बातों का तुमने टेंशन लेना शुरू कर दिया ना तो गुजर गई हमारी जिंदगी। सर क्या बात है, कुछ तो बोलो यार, मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ तुम चुप करके बैठी हुई। इजमीर मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये तो मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा खुशी की खबर। थैंक यू सो मच, आई एम गोइंग टू बी अ डैड सून यार, वाओ। क्या हो गया, तुम्हें खुशी नहीं इस बात की? मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए या नहीं। आप कंफ्यूजन क्या है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या हुआ? इसमें तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? हम इस सिचुएशन में इस खुशी को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तुम अपने दोस्त के साथ अपार्टमेंट शेयर करते हो, हमारा कोई घर नहीं है अजमीर, और हमारे घर वाले वो शादी को तोड़वाना चाहते हैं, और इस सिचुएशन में ये अच्छा। देखो यार, मुझे जो ऑफिस से अपार्टमेंट मिलना है ना, वो पूरी जान लगा दूंगा कि मुझे जल्दी मिल जाए, पर तुम्हें लेके अपने बच्चे को लेके
इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएंगे। और जहां तक रही बात हमारे पेरेंट्स की, उन्हें अब हमारी शादी नहीं बल्कि अपनी अना और अपनी इज्जत को खत्म करना पड़ेगा। कौन यार, इतनी खुशी की खबर है, सेलिब्रेट। सो नायला, नायला। जी माँ जी। जल्दी से मुझे स्टोर की चाबी दो, मुझे चादरें निकालनी है। लेकिन माँ जी चादरों का क्या करना है, मैंने अभी तो चेंज की है। बस तुम दे दो ना, तुम चादरें निकाल दो मुझे बस। माँ जी क्या बात है, बहुत खुश लग रही हैं। क्यों नहीं खुश होंगी मैं, मेरा अजमीर जो आ रहा है, मेरा बेटा। अजमीर आ रहा है? इसीलिए तो मैं उसका कमरा ठीक कर रही हूँ। बेटा तुम भी एक नजर देख लेना, बल्कि ऐसा करो चादरें भी तुम्हें बिछा देना, मुझे और बहुत सारे काम करने हैं। जी ठीक है, जरूर याद से कर देना बेटा। इसमें यार है, सोया को तलाक देने के लिए तैयार हो गया। मैं तेनु समझावा की ना तेरे बाजो लगदा। इतना लेट? I'm very sorry, मैं क्या करती, ट्रैफिक इतना जाम था। अच्छा चलो। वो एक मिनट, फोन आ रहा है। हेलो जी डॉक्टर, मैं क्या? लेकिन डॉक्टर उमर मैं अभी नहीं। क्या हुआ? यार किसी पॉलिटिकल रैली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, बहुत कैजुअलिटीज़ हैं, शहर के सारे हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और मुझे भी जाना पड़ेगा। व्हाट, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ इज़मीर, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा एक काम करो, तुम ऐसा करो कि तुम अभी चले जाओ, मैं जैसी ड्यूटी से फ्री होंगी ना मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँगी। जोया हम एक साथ ही जाएंगे, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जा रहा हूँ, वैसे भी मेरे अकेले जाना वहाँ ज़रूरी नहीं है। तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें अब्बा जी से बात करनी है, घर के सारे मामला देखने, इन सब में टाइम लगेगा। इसमें प्लीज़ मेरी बात मान लो, तुम अभी चले जाओ प्लीज़, मैं बाद में आ जाऊँगी, आई प्रॉमिस। आर यू श्योर? हाँ हाँ, जहाँ तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। एक तो तुम्हें अपनी बात मनवाने की ना बहुत बुरी आदत। वो तो है, लेकिन याद रखना लास्ट टाइम है ये। देखते हैं। ये तुम क्या फिल्मी हीरोज की तरह दरवाजे पे खड़े हुए, जाओ जाके बैठो, तुम्हारी ट्रेन चलने वाली है। तुम्हें छोड़ के जाने को दिल नहीं कर रहा, प्लीज मुझे रोक लो। बिल्कुल नहीं, बड़ी जालिम। अच्छा चलो जाके बैठो, मुझे भी देर हो रही है, मुझे जाना है, जाओ। चलो ठीक है, अपना और अपनी सेहत का खूब ख्याल रखना, डाइट पूरी लेती रहना। तुम भी जोया, तुम भी थोड़ी देर लेट जाओ, सिर्फ आधे घंटे का ब्रेक है। पुलिस भी वहां पर मौजूद है और उसने तहकीकात शुरू कर दी है। जी सॉरी, मैं उठ जा, उठ जा।
छोड़ के चला गया हम दोनों को बर्बाद कर दिया। देख तुम्हारी हालत तो बिगड़ती जा रही है, मैं तुम्हारे अब्बा को फोन करती हूँ कि वो डॉक्टर को लेकर आए। नहीं बेटा, ये कितने दिन से है तुम्हें, आखिर पता तो चले कि हुआ क्या है, डॉक्टर देखेगा तो पता चल जाएगा। अम्मी आप प्लीज बैठे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बेटा क्या बात है। सोया बोलो ना मेरी जान, क्या कहना चाह रही हो। अम्मी क्या बात है बेटा। मैं प्रेग्नेंट। सोया तो अब्बू प्लीज मेरी बात का यकीन करें। अब्बू मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत नहीं किया, जुल्म किया है हम पर। ये सिला दिया है तूने हमारे भरोसे का, मुंह काला कर दिया है हमारा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। इससे तो अच्छा था कि तू अजमीर के साथ ही मर जाती। अम्मी मैंने ऐसा क्या किया है, मैं अजमीर के निकाह में थी। अम्मी किस किस को समझाएंगे, किस किस को समझाएंगे बता। सारी बरादरी को पता है, सबको पता है कि तेरी रुखसती नहीं हुई। कौन यकीन करेगा तेरी बात पे। अबू प्लीज आप यकीन करें, मैंने सच में कुछ गलत नहीं किया अबू। लेकिन आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। भरोसा किया तुझ पर, सबसे मुखालिफत लेकर बड़े मान से मैंने तुझे दूसरे शहर पढ़ने के लिए भेजा। सबने कहा कि जवान बेटी को मत भेजो, लेकिन मैंने भेजा और तूने क्या किया। अब मुझसे ऐसा क्या हो गया। चली जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, शर्मिंदा करके रख दिया मुझे, शर्म से सर झुक गया मैं। अब
मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं इस बच्चे को नहीं मार सकती इरम, ये मेरे पास इस मीर की आखिरी निशानी है। मैं इसे कैसे खुद से अलग कर दूं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, अंकल आंटी तुम्हारे क्यों अंगेस्ट हो गए हैं? तुम्हारा साथ देना चाहिए था। जिन माँ बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत से ज्यादा सोसाइटी का खौफ हो ना, वो अपने बच्चों का कभी साथ नहीं देते। रहमत, रहमत, सोया का पता चल गया है। मैंने हॉस्टल फोन किया था, वो वहीं पर है। हम कल कराची चलेंगे और जाके अपनी बेटी को लेकर आएंगे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी सही सलामत है। कौन सी बेटी? हमारी बेटी मर चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं? जवान बेटी आधी रात को घर से भाग जाए तो माँ बाप के लिए मर जाती है। उसके जाने के बाद लोगों के तंज और ताने सह चुका हूं मैं, लेकिन उसके वापस लौटने पर लोगों के उठते हुए सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं मुझमें। मैं खुद को समझा चुका हूं, बेहतर है तुम भी खुद को समझाओ और आज के बाद इस घर में सोया का कोई नाम नहीं लेगा। मर गई हो हमारे लिए, इज़मीर के बगैर जीना मुश्किल हो गया। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। सोया, तुम यहां से चली जाओ। कहाँ चली जाओ? तुम भावलपुर चली जाओ। देखो जोया, इस वक्त तुम्हारा किसी ऐसी जगह पे होना बहुत जरूरी है जहाँ तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ना ढूंढ सके। बेजा चीजों पे गुस्सा उतारना तो कमजोरी की निशानी होती है। अपनी चीजें तोड़ेंगे तो खुद का ही नुकसान करेंगे। बेहतर होगा जिसका गुस्सा है उसी पे उतारिए। मैं अपनी चीजें तोड़ू या कहीं रखू, आप कौन होते मुझे रोकने वाले? खाकसार को शारिक तैमूर कहते हैं। लगती तो अच्छी फैमिली से। क्या मैं पूछ सकता हूँ इस वक्त रात को अकेले स्टेशन पे क्या कर रही है? झक मार रही हूँ। वो तो आप घर पे भी मार सकती हैं, बल्कि इससे ज्यादा बेहतर। देखिए मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करें। प्लीज आप जाइए यहाँ। देखिए मोहतरमा, मैं तो आपकी भलाई के लिए गया था, ये जगह आपके लिए मुनासिब नहीं है। प्लीज अपने काम से काम रखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज जाइए यहाँ से। मैडम मैंने कहा ना जाइए यहाँ से। आप शायद नहीं जानते यहाँ रह के आप किस मुसीबत में फंस सकते। मुसीबतें झेलने की तो मुझे आदत पड़ चुकी। आपकी सैड स्टोरी सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है, आइए मेरे साथ। मैंने कहा ना मुझे आपकी जरूरत नहीं, प्लीज अब जाइए यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन उनको देख रही हैं। वो सारी रात यहीं बैठे रहेंगे, लिहाजा मुझे नहीं लगता आपका यहाँ बैठना मुनासिब है।
प्लीज अब कोई सीन ना क्रिएट करें, आइए मेरे साथ। वालेकुम सलाम। डोंट वरी, शहर के डीसी होने के साथ साथ मैं एक शरीफ आदमी भी हूँ। शेल्टर होम से कहीं ज्यादा महफूज मेरा घर है। प्लीज नाज़िब। जी सर। जाके गेस्ट रूम खुलवाओ। राइट सर। आइए। रात बहुत हो गई है, तुम आराम करो, सुबह बात करते हैं। आपा, अल्लाह ताला ने इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण पैदा की है। सबा की जो साइकेट्रिस्ट हैं, उनका कहना है कि अगर हम सबा की शादी कर दें तो वो नॉर्मल हो सकती है। हमारी सबा ठीक हो सकती है आपा। सौ बिस्मिल्ला, क्यों नहीं, हम अपनी सबा की शादी खूब धूमधाम से करेंगे। वो दरअसल आपा, उस साइकेट्रिस्ट का कहना है कि उसकी शादी किसी ऐसे शख्स के साथ की जाए जो उसके साथ बहुत सिंसेयर हो, जो उसकी ज़हनी हालत को और उसकी तकलीफ को महसूस कर सके। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम सबा की शादी बोले सबा की शादी शारिक से करते हैं। ये कैसे हो सकता है? सबा की शादी शारिक से? क्यों आपा, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मैं जानता हूं आपा, शारिक आपका इकलौता बेटा है, आपने कितने ख्वाब देखे होंगे उसकी शादी के लिए। लेकिन सबा जैसी बहू लाने का तो आपने नहीं सोचा होगा ना। सबा मेरी भी तो अकलौती बेटी है ना, आप मेरी बेटी और आपकी भतीजी की जिंदगी का सवाल है आप। लेकिन करीब, सबा और शारिक की उम्र में बहुत फर्क है, वो उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझता है। देखो, हम सबा की शादी उसके हम उम्र शख्स से भी तो करवा सकते हैं। आपा, मैं सबा को किसी खैर शख्स के हवाले नहीं कर सकता। सबा को किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो मुखलिस हो, उसकी ज़हनी हालत को समझता हो और शारिक से ज्यादा सिंसियर हो। उसके लिए और कौन हो सकता है? लेकिन शारिक नहीं मानेगा इस रिश्ते के लिए, उसने कभी उसे इस नजर से देखा ही नहीं। तो अब देख लेगा, ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कजन मैरिजेस में तो ऐसा ही होता है, पहले दोनों एक दूसरे को बहन भाई की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। मेरी मुश्किल को समझने की कोशिश करें आप। सबा तो किसी खैर मर्द को अपने पास बर्दाश्त नहीं करती, तो
तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। शारे को वायद मदर से उधरती नहीं है। गाड़ी आगे ले जाओ। सुना था ना डॉक्टर ने क्या कहा है? तुम्हें अपना ख्याल रखना है, जो तुम बिल्कुल नहीं रखती। लगता है मुझे खुद ही तुम्हारी केयर करनी पड़ेगी। वाह, आप इस तरह अचानक? तुम मसरूफ थे ना बेटा, तो मुझे ही आना पड़ा। मुझे इतला तो कर देती, मैं आपको लेने आ जाता। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी बेटा, मगर तो यहां तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। एक अनजान लड़की को इस तरह घर में कैसे रख सकते हो तुम? माँ, आपको अभी सारी सिचुएशन समझाई तो है। किन हालात की वजह से उस लड़की को इस घर में पना दिया है मैंने? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी मसरूफियत की नौयत ये होगी। माँ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस लड़की की कंडीशन ऐसी नहीं है कि उसको मजीद कोई तकलीफ दी जाए। वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती, या तुम उसे तकलीफ में नहीं देख सकते? आपसे कभी भी कुछ मैं छुपा नहीं सका। जो बात मेरे दिल में होती है, आप उसको पहले ही महसूस कर लेते हैं। ये राज तो मैं शायद खुद से भी छुपा रहा था। अच्छा कि आप आ गई। जिंदगी का ये खूबसूरत सच मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मां, हालात से लड़ती झगड़ती ये लड़की कब मेरे दिल में उतर आई मुझे पता ही नहीं चला। जिसे मैं हमदर्दी समझ रहा था, वो हमदर्दी नहीं, मोहब्बत है। I love her, Mom. I love her. Main tenu samjha ki na tere baaju lagda ji. Main tenu samjha ki. Mujhe pata hi nahi chala. Wo kab mere liye itni important ho gayi? जाने प्यार मेरा मैं करूं इंतजार। ऐसा पहले तो कभी भी नहीं हुआ मां। तू दिल तू यो जा। कभी किसी लड़की ने आपके बेटे को इतना मुतासिर नहीं किया। मैं तेनु समझा कि ना तेरे बाजू क्या
क्या सोच रही है। माँ प्लीज अब ये ना कहिएगा कि वो बेवा है या मां बनने वाली है। मैं जानता हूं आपके लिए सबसे ज्यादा अहम आपकी बेटी की खुशी है, और आपके बेटे की खुशी जोया है। मैं अब उसके बगैर नहीं रह सकता मां। हैरान हो रही है ना? मैं भी हैरान हो रहा हूं। एक लड़की जिसको मैंने चंद दिनों के लिए अपने घर में बना दी थी, कैसे मेरे लिए इतनी अहम हो गई कि मैं अब सारी जिंदगी उसको अपने घर में ही रखना चाहता हूं। मुझे बहुत अच्छी लगती है वो मां, बहुत अच्छी, इतनी अच्छी कि मैं उसे शादी करना चाहता हूं। जोया, 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 हाथ छोड़े मेरा। जोया, मैंने कहा ना हाथ छोड़े। मेरी बात तो सुन लो। इतना कुछ सुन के अब कोई गुंजाइश रह गई है? मुझे रहना नहीं चाहिए, जा रही हूँ मैं। मोहब्बत की है, कोई गुनाह नहीं। ये गुनाह है? मैं शादीशुदा हूं। लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं आज भी उसी से मोहब्बत करती हूं। आपको कोई हक नहीं मुझसे मोहब्बत करने का। अगर मोहब्बत पूछ के होती तो मैं अपने दिल को कभी इजाजत ना देता। लेकिन ये बिना बताए, बिना इजाजत लिए हो गई, मैं क्या करूं? मैं जानता हूं तुम अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुकी हो इसमीर से, लेकिन यह मेरे हिस्से की मोहब्बत है और हर इंसान को अपने हिस्से की मोहब्बत करने का पूरा हक है। बस आपके लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं। मैं जानता हूं तुम किस अज़ियत से गुजर रहे हो, लेकिन प्लीज मुझे खुद से मोहब्बत करने से ना रोको। ये मेरे अख्तियार में नहीं। मैं अब यहां और नहीं रह सकती, अब मुझे जाना ही होगा। ठीक है, फाइन। तुम्हें मेरी मोहब्बत से प्रॉब्लम है, हम दोबारा इस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करेंगे जब तक तुम नहीं चाहोगी। लेकिन प्लीज दोबारा यहां से जाने की बात ना करना। मैं तुम्हारी मुश्किलों को खत्म करना चाहता हूं, उन्हें बढ़ाना नहीं चाहता। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। मैं तेनू समझा कि हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जी ठीक हूँ। लगता है आप तो वहां जाकर हमें भूल ही गई, फोन भी नहीं किया आपने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है करीम। दरअसल बहुत अरसे के बाद अपने बेटे से मिली थी ना, तो सब कुछ जहन से निकल गया। खैर है आपा, बस जिस काम के लिए आप वहां गई है ना, उसे ना भूल जाइएगा। मैं
क्या हो गया आपा, खामोश क्यों हो गई? कहीं मैंने आकर आपने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया? करीम, दरअसल बात यह है कि आपा मेरी आस मत तोड़िएगा। मैं जानता हूँ शारिक भी सभा को पागल समझता है, अगर वो नॉर्मल होती तो उसे शादी पर कोई एतराज ना होता। ऐसा नहीं है करीम, सभा शारिक को भी बहुत अजीज है। तो फिर आपा आप उसे मनाएं, उसे किसी तरह कन्विंस करें, वरना मेरी बेटी तो बिल्कुल पागल हो जाएगी। आपा देखिए, आपा सारी जिंदगी आपसे कुछ नहीं मांगा। आज मैं आपसे अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगता हूँ। शारिक को सिर्फ आप मना सकते हैं, वो आपकी बात नहीं डालेंगे। प्लीज उसे किसी तरह राजी करें आप। सभा से शादी कर लो। क्या सभा से शादी? मैं सभा से शादी कैसे कर लूं, क्या मतलब? बेटा, सभा के ठीक होने के लिए उसकी शादी होना बहुत जरूरी है, और वो भी ऐसे इंसान के साथ जो उसके जहन से सारे खौफ मिटा सके, और ये सिर्फ तुम कर सकते हो। क्या हो गया आपको माँ, नामुमकिन है ये। समझने की कोशिश करो शारिक। क्या समझूं? ठास सभा की जिंदगी का सवाल है। करीम को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। सभा मेरे लिए छोटी बहनों की तरह है, मैं कैसे कर लूं उसके साथ शादी? कमाल करते हैं आप लोग भी, पता नहीं आप लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया। मना कर दे मामू को। पहले तो तुमने कभी मेरी किसी बात को नहीं टाला। मैं आपकी ये बात मान ही नहीं सकता, मैं नहीं कर सकता सभा से शादी। तुम्हें सभा से शादी करनी होगी। मैं करीम से हाँ कह चुकी हूं। शारिक, जोया क्या हुआ? मुझे हॉस्पिटल ले चले। चलो। शारिक साहब, कांग्रेचुलेशंस, बेटा हुआ है। अच्छा, और जोया? डोंट वरी, माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है। That's great news. अब क्या मैं? कुछ ही देर में जोया को उसके रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। बहुत प्यारा है। वैसे ही ना, वैसे ही होंठ। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? करीम, ये सब क्या है? आपा, एक्चुअली सभा की फ्रेंड्स बहुत जिद कर रही थी कि कुछ हल्ला गुल्ला होना चाहिए, इसलिए हमने एक छोटा सा मायों का फंक्शन रख लिया है। मायों का फंक्शन? करीम, हमने तो सादगी से निकाह करना था, तो फिर ये सब क्या है? एक्चुअली हमने सोचा कि कहाँ रोज रोज शारिक छुट्टी लेकर आ सकेगा, इसलिए निकाह के बजाय डायरेक्ट शादी कर देते। शादी? लेकिन नफीसा। आपा, बाकी सारी बातें बाद में होंगी,
शारिक तुम जल्दी से जाके कपड़े चेंज कर लो, मेहमान तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। हाँ आपा, आप भी चेंज कर लेना, मैंने आप दोनों के कपड़े रेडी करवा दिए हैं। माँ, ये सब कुछ क्या है? आपने तो कहा था सब कुछ सादगी से होगा, निकाह होगा, सिर्फ शादी और रुखसती की बात नहीं हुई थी। बेटा समझने की कोशिश करो। नहीं समझ सकता मैं। आहिस्ता आहिस्ता बोलो। कुछ नहीं हो सकता, नफीसा और करीम सारी तैयारियां करके बैठे हैं। सबा बिंद करीम, आपको तारे कुल तैमूर आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है आपको? कबूल है। आपको कबूल है? हाँ तो दो बार बोल तो दिया, और कितनी बार बोलूं? कबूल है, कबूल है, अब नहीं बोलूंगी मैं। खबरदार, तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला। गंदे हैं आप, मारते हैं मुझे। मैं सबको जाके बताऊंगी कि आपने मारा है मुझे, मामा को भी बताऊंगी मैं। मामा दूर रहना, करीब बताना मेरे खुदा का लाख लाख शुक्र है, आज शारिक के हाथों में अपनी बेटी का हाथ देकर मैं बिल्कुल मुतमईन हो गया हूँ। आज आज सुकून की नींद आएगी नफीसा। करीम, हमारी बेटी आज कितनी प्यारी लग रही थी। हाँ। कुछ लोग तो यूं हैरान हो रहे थे जैसे उसकी कभी शादी ही नहीं होनी। उसकी शादी होना इतना आसान भी नहीं था नफीसा, तो शारिक काला जर्फ है कि उसने। बस बस, एक तो मैं आपकी इस आदत से बड़ी तंग हूं, हर बात में शारिक की तारीफ करने बैठ जाते, इस तरह से तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। और प्लीज यूं बार बार उसके आगे बिछ ना जाया करें। बस कर दो नफीसा, क्या अच्छी खासी है हमारी बेटी, और फिर हमारी जायदाद की इकलौती वारिस है, तो माशाल्लाह से वो ठीक भी होती जा रही है। और आपको पता है, शादी के इन सारे दिनों में उसने मुझे एक बार भी तंग नहीं किया। इस वक्त कौन है?
मामा 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 आप कहाँ चली गई थी? मम्मा ये अच्छा आदमी नहीं है, इसको निकाल यहाँ से, मुझे इसके साथ नहीं रहना। इस आदमी की मम्मा ये अच्छा आदमी नहीं है। इन्होंने मुझे थप्पड़ मारे मम्मा, थप्पड़ मारे। मैं आपको बता नहीं सकती, सच कह रही, थप्पड़ मारे इन्होंने मुझे। तुमने इसे थप्पड़ मारा है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आइए आपा, आइए आप भी देखिए, आपके बेटे ने मेरी बेटी को शादी की पहली रात क्या तोहफा दिया है। तुमने क्या सोच के हाथ उठाए उसके ऊपर? चुप कर जाएं करीम आप, तो कोई लावारिस बच्ची है, जैसा तुम्हारा दिल करेगा वैसे तुम इसको ट्रीट करोगे? ये हमारी बच्ची है। मम्मा और डांटे, तुमने क्यों मारा मेरी बेटी को? मामी ऐसी बात नहीं है, वो हाइपर हो गई थी, शोर मचा रही थी, मैंने सोचा बाहर मेहमान है, मैंने उसको झूठ बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि तुम उसके ऊपर हाथ उठाओ? मैं उसको मारना नहीं चाह रहा था, बस सबक तबीयत ठीक नहीं है, तुम उससे देखो। करीम करीम इसने शारिक, हम कमरे से बाहर चलते हैं। आप भी बाहर चलिए। हद करते हैं आप ही, और अपनी बेटी का तमाशा मत बनाओ प्लीज। तमाशा मैं बना रही हूँ तमाशा, प्लीज। कुछ नहीं होगा बच्चा, कुछ नहीं होगा, कुछ प्लीज देखो उसको। समझ में नहीं आता सभा को कैसे समझाएं। मैं भी यही सोच सोच कर सारी रात परेशान रही हूं करीम। तुम लोगों को अभी उसकी रुख्सती नहीं करनी चाहिए थी। हफीसा, अब कैसी तबीयत है सभा की? ठीक है, सारी रात सो नहीं सकी वो, बार बार डर डर के उठ जाती थी। एक तो पहले ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और अब शारिक की मार के बाद तो वो और ही सहम गई है। ये भी अच्छी रही आपा, शारिक ने भी शादी के चंद घंटों बाद ही टिपिकल शौहरों वाली फितरत दिखानी शुरू कर दी। हमने उसकी शादी उसका इलाज कराने के लिए कराई थी, ना कि उसे और बीमार करने के लिए। मामी प्लीज, मैंने आपको सारी सिचुएशन बता तो दी है, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। नफीसा, मेरा ख्याल है कि सबा को कुछ दिन के लिए यहीं रहने दें, उसका अभी शारिक के साथ जाना ठीक नहीं है। क्या कमाल करती हैं आपा आप भी, कौन से माँ बाप हैं जो बेटी को शादी के बाद घर बिठा लेते हैं? बेटियां शादी के बाद अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। आप ठीक कह रही हैं नफीसा, कल रात से सबा की जो हालत है, जिस तरह से वो रिएक्ट कर रही है, वो किस तरह रहेगी शारिक के साथ? हद करते हैं आप भी करीम, अब जैसे भी हो उसी शारिक के साथ ही रहना है, इसीलिए तो उसकी शादी करवाई थी। और वैसे भी वो कौन सा अकेली रहने जा रही है, मैं उसके साथ बहावलपुर जा रही हूँ। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक, इसे देना मुझे, ये मुझे अच्छा लगता है बहुत। कैसी हो सोया? मैं ठीक हूँ। मेरे जाने के बाद समीर की तबीयत ठीक रही थी। अरे तुम अभी तक यहीं हो? मेरा तो ख्याल था कि तुम जा चुकी होगी।
शारिक ने मना कर दिया होगा। जाहिर है शारिक है ही इतने बड़े दिल का, कैसे जाने दे सकता था। मुबारकबाद नहीं दोगी उसे? निकाह मुबारक हो आपको। अरे सिर्फ निकाह की मुबारकबाद, शादी की मुबारक नहीं दोगी? निकाह थोड़ी हुआ है, शादी हो चुकी है उसकी। शादी मुबारक हो आपको। अम्मी कैसी है? माँ जी क्या हुआ उन्हें? जिस माँ की औलाद उसकी नजरों से ओझल होगी उसकी क्या हालत हो सकती है। अब तो तू खुद भी माँ बन गई है तो उसकी हालत समझ सकती होगी। आप प्लीज अम्मी को हौसला दें। मैं यहाँ बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बस किसी भी तरह उनकी तसल्ली करा दें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ। माँ जी वो जब तक तुझे अपनी आंखों से नहीं देख लेगी उसे चैन नहीं आएगा। बेटा तू घर आ जाना जोया। मेरे आने से सवाल जवाब का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। माँ जी मैं तरसे कहाँ थी, किसके साथ भागी थी, मैं किन किन सवालों का जवाब दूंगी? और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप का सर झुके। मैं वहां कभी नहीं आऊंगी माँ जी। आप प्लीज मेरे फोन का वहां पे किसी को नहीं बताइएगा, वरना आइंदा मैं आपको भी फोन नहीं करूंगी। अच्छा फिक्र ना कर, मैं किसी को तेरे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। अम्मी का बहुत ख्याल रखिएगा प्लीज। अल्लाह हाफिज। सबा सुबह सुबह यहाँ क्यों बैठी हो? तो और कहाँ जाऊँ, मम्मी के पास जाऊँ तो बार बार शारी के पास भेजने की बातें करती रहती, और फूफो वो तो मुझसे बात करती ही नहीं, सब पागल हो गए। तो तुम शारी के साथ टाइम स्पेंड करो ना। ना बाबा ना, मैं तो मर के भी नहीं जाऊँगी उनके पास। पता है पहले वो बहुत अच्छे थे लेकिन अब वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। जब मैं उन्हें देखती हूँ ना तो मेरा दिल करता है कि मैं कहीं भाग जाऊं, मेरा तो दिल बंद होने लगता है। अरे वो तुम्हारे शौहर हैं, उनसे क्यों डरती हो? तो क्या शौहर से डरते नहीं है? नहीं शौहर तो प्रोटेक्ट करते हैं, डरना तो होने चाहिए जिनके शौहर नहीं होते। आपको डर नहीं लगता अपने शौहर से? मेरे शौहर अब इस दुनिया में नहीं है। आइडिया, एक काम करते हैं, आप मेरे शौहर ले लें, मेरे तो वो किसी काम के नहीं है ना, आप शारिक से शादी कर लें। हाँ यही ठीक रहेगा, आप शारिक से शादी कर लें। तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। देखें आपको शौहर मिल जाएगा और मेरी जान छूट जाएगी तो आप शारिक से शादी कर लें। मेरी कोई भी बात नहीं समझता, पता है मुझे वहशत होती है उनसे। जब वो मुझे देखते हैं ना तो दिल करता है कि गायब हो जाऊं उनकी नजरों से, दूर चली जाऊं।
वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मैं दरवाजा बंद कर लूँ? नहीं नहीं, आप बैठे, आप बैठे। वो मुझे आपसे ये कहना है कि आप जोया से शादी कर लें। हाँ, उनका ना इस दुनिया में शौहर नहीं है। कितना छोटा सा बेबी है उनका, कितनी अकेली रहती है ना वो, इसलिए तो हर वक्त रोती रहती हैं वो। और हाँ, वो कभी ना अपने मुंह से नहीं कहेंगी, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है। आप प्लीज़ प्लीज़ उनसे शादी कर लें। अगर आप उनसे शादी करेंगे ना, आपको सवाब भी मिलेगा। सवाब क्या हो गया तुम्हें? तुम ये बात करने आई हो मुझसे? होश में तो हो? पता भी है क्या कह रही हो? जी। और तुम्हारा क्या बनेगा? मेरा क्या बनेगा? मेरे पास मम्मा हैं, पापा हैं। सच बताऊं तो मुझे आपकी जरूरत नहीं है, इसलिए आपके लिए बेहतर यही है आप जोया से शादी कर लें। मैं जा रही हूं। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि जोया कहां है? मैं आपको नहीं बता सकती नेमत साहब, उसने मुझे अपनी कसम दी है और मैं अपने बेटे अजमीर को खो चुकी हूं, जोया को नहीं खोना चाहती। लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना माँ जी, जोया को इस घर में कोई कुछ नहीं कहेगा, बल्कि अब्बा जी खुद जाकर जोया को और अपने पोते को साथ लेके आएंगे। क्या कहा तुमने? मेरा पोता? जी अब्बा जी, माँ जी बताए ना अब्बा जी को, जोया के पास इसमीर का बेटा है। क्या कह रही है ये? कहाँ है मेरा पोता? तुमने ये खबर मुझसे छुपा के क्यों रखी है? कहाँ है मेरा पोता? बताओ मुझे कहाँ है मेरा पोता? कौन सा पोता? कौन सी खुशखबरी नेमत साहब? आप तो उसे अपना खून ही नहीं मानते, इसी वजह से आज सोया दरबदर है। नगमा मेरा पोता? मैं अपने पोते को खुद लेने जाऊंगा, अपनी बहू को, मेरे अजमीर का बेटा, इस खानदान का वारिस नेमत अली का पोता जिंदा है। पर कितना बदनसीब हूं मैं कि मैं ये तक नहीं जानता। तुमने ठीक कहा था कि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे पोता दिया है, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं बहुत खुश हूं। कैसी हो? ठीक। मुझे दिखाओ। आइए। हाँ जी, कैसे हो? मुझे तुमसे आप पहले कहें? नहीं, पहले पहले तुम बोलो। वो नहीं, इट्स ओके, आप बोले। मैम आपसे कोई मिलने आया है?
मुझसे मिलने कौन आ सकता है? मैम वो लॉन्ज में बैठे हैं। मुझे माफ कर दो बेटा। भाजी आप क्या कर रहे हैं? हाथ मुझसे माफी मांगने के लिए नहीं है, मेरे सर पे हाथ रखने के लिए। नहीं बेटा, मैं जितनी भी माफी मांगू वो कम है। बहुत जुल्म किया मेरे तब पर। मेरा पोता, मेरे अजमेर का बेटा, मेरा पोता, मेरे खानदान का वारिस। चलो बेटा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। अब मैं तुमको अपने से अलग नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं अंकल, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आओ बेटा। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। तू कि जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल चली गई। शारिक, जोया चली गई। आपने उसे जाने दिया, आपने उसे रोका क्यों नहीं? बोले जोया कैसे जा सकती है? क्यों नहीं रोका आपने उसे? मैं ही रोकती हूँ उसे। सबक जोया, क्या कर रही हो? रोकने उसे। वो चली गई है। नहीं, वो कैसे जा सकती है? जोया, रुको, नहीं जा सकती।
छोड़ो मुझे, सोया। लगता है तुम दोनों मियां बीवी ना, तुम दोनों का आपस में मुकाबला शुरू हो गया। एक बिस्तर से उठता है और दूसरा लेट जाता है। अब रहमत मियां कल तक तो अच्छे भले थे, आज ही बिस्तर पर पड़े हुए। अम्मा, इन्हें टेंशन ने बीमार किया है, मैंने अच्छी तरह जानती हूँ कि अंदर ही अंदर खुल रहे हैं और मुंह से कुछ नहीं कह रहे। सोया की परेशानी इन्हें खाई जा रही है। ले, थोड़ा सा खा लें, आपने कल से कुछ नहीं खाया। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। तरह उसकी जुदाई में आपने यूं घुलना है और अपने आप को बीमार रखना है, तो क्यों नहीं जाके उसे ढूंढ लेते? कहां ढूंढूंगा उसे? सोया, मेरी बच्ची, यह गल गई थी। तेरे जुदाई में बीमार हो गए। बेटा माफ कर दे, बेटा मुझे भी मिल दे। अरे दादी, बस करें भाई साहब, आज तो हमारे लिए खुशी का दिन है। आज हमारी बेटी हमारे घर आई, पर देखिए इस घर की खुशियां भी साथ लाई। ये देखें, ये आपका नवासा और मेरा पोता। बहुत याद आ रही है ना वो। उसे वापस ले आओ शारिक। कैसे? ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ ले आओ उसे। कैसे? उसे शादी कर लो। अपनी बीवी बनाकर पूरे मान और हक के साथ उसे इस घर में ले आओ। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं अम्मी, मुझे बता क्या बात है। किसी ने कुछ कहा है? किसी ने कुछ नहीं कहा। याद आ रहा है बेटा, इसमें उसी की वजह से तो हो रहा है ये सब कुछ।
ये तो क्या कह रही हो सोया? हाँ अम्मी, वो मुझे छोड़ के नहीं जाता तो शारिक मेरी जिंदगी में कभी नहीं आता। शारिक? शारिक, ये सब कुछ इजमीर की वजह से ही हो रहा है। अगर आज वो मेरे साथ होता तो शारिक से कभी मोहब्बत नहीं होती। सर, मैं सोच रहा था कि जोया और समीर के आने की खुशी में एक दावत कर दी जाए। दावत? जी जी, दावत। वैसे भी हकीका तो करना ही है ना इसका। हकीका तुम जरूर करो नेमत, लेकिन दावत जरूरी नहीं। जरूरी है, दुनिया को पता चलना चाहिए कि नेमत अली के हाँ पोता पैदा हुआ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है जी, माशाल्लाह। बस अल्लाह मियां जिंदगी दे, सेहत दे। काश इसकी सूरत की तरह इसकी किस्मत भी प्यारी होती। आप लोग बैठिए तो, तशरीफ रखिए, बैठिए। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। आइए तशरीफ रखिए, आप लोग बैठे हैं। शारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घर ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई आप? जी नहीं। अच्छा, आए आए। रहमत भाई, देखिए हमारे घर कौन आया। शारिक तैमूर साहब, जिन्होंने हमारी जोया को अपने घर में रखा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सोया ने मुझे सब बताया कि तुमने उसकी किस किस तरह मदद की है। मैं तुम्हारा ये साथ कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। नहीं नहीं, प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त से इस तकरीब के लिए वक्त निकाला। अब्बा जी, आई जी, अंदर आइए। शारिक साहब, ये मेरा बड़ा बेटा शाहनवाज। अस्सलाम वालेकुम। शारिक साहब। अच्छा बेटा, बैठो जी। क्या बात है? हम आ जाए। जी 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 जी। अच्छा अच्छा, तो तुम वो लड़के हो जिसने जोया को अपने घर में रखा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे लगते तो तुम किसी अच्छे घर के लड़के हो। कितना पढ़े लिखे हो? मेरा मतलब है कोई काम वाम भी करते हो कि नहीं? जी मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ। डिप्टी कमिश्नर, वो क्या होता है? गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। तो पैसे कितने बनाते हो? जी कितना कमा लेते हो? जी और जी जी रहने दो, जो पूछा उसका जवाब दो मुझे। अम्मा जी। हाँ जी। क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। शारिक साहब आप आइए अंदर मेरे साथ। अब्बा जी और ताई जी आपका वेट कर रहे हैं। और अम्मा जी, सोया को बताएं शारिक साहब अंदर बैठे हैं। आइए प्लीज। हाजरा बता रही थी कि तुम जा रहे हो, एक रात रुक जाते तो अच्छा था। पर इतनी दूर से दावत के लिए आए हो, थक गए होगे। नहीं, आई एम फाइन। बल्कि अच्छा किया आप लोगों ने बुला लिया, मैं खुद भी आप लोगों से मिलना चाह रहा था। इतने दिन हो गए हैं, जोया की और बच्चे की याद बहुत आ रही थी। और फिर आप लोगों से कुछ बात भी करनी थी। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात?
एक्चुअली मैं ये बेटा झिझक क्यों रहे हो? खुल के कहो जो कहना चाहते हो। आंटी मैं सर मैं जोया से शादी करना चाहता हूँ। मुझे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, इसमें पूछने वाली क्या बात है भाई साहब? आप एक नहीं 10 बातें पूछ सकते हैं। है भाई हूँ। बात यह है कि जोया का एक रिश्ता है। हाँ नेमत, लड़का बहुत अच्छा है, तुमने उसे देखा हुआ है, वो शारिक तैमूर जिसने जोया की मदद की थी उसी ने रिश्ता भेजा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? और आप लोगों ने उसको मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया? आ गए मुझे ये शर्मनाक बात सुनाने के लिए। इसमें कौन सी शर्मनाक बात है? उसने एक इज्जतदार तरीके से रिश्ता भेजा है और ये कोई मायूब बात नहीं। जोया मेरी बहू है और उसका रिश्ता कोई कैसे भेज सकता है? नेमत, अजमीर अब इस दुनिया में नहीं है और फिर रिश्ता तो कोई भी भेज सकता है। बात समझने की कोशिश करो नेमत, जोया के आगे पहाड़ जैसी जिंदगी है। बिना मर्द के सहारे औरत इस माशरे में कैसे रह सकती है? बहुत मुश्किल। मैं अभी जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। अपने बेटे की बीवी और उसके बच्चे को पाल सकता हूं। इस तरह तो हम भी मौजूद हैं अपनी बेटी और नवासे का ख्याल रखने के लिए, लेकिन हमारे पास कितना वक्त बाकी है? हमारे बाद क्या होगा? अपना तुम ही समझाओ ना। बस मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, जोया इस घर की इज्जत है और वो कहीं नहीं जाएगी। ये जो नेमत है ना, ये कुफराने नेमत पर तुला हुआ है। अरे कहां वो इस बच्ची को अपनी बहू नहीं बनाना चाहता था और अब वो उसके घर की इज्जत बन गई है। वो दिन भूल गया जब इसको सारे खानदान के सामने बेइज्जत किया था। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों मिलके ना इसका निकाह करवा दो। अरे जो कुछ होगा देखा जाएगा, क्या कर लेगा नेमत अली। हाँ अम्मा, ये सारी जज्बाती बातें हैं, आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि नेमत भाई की रजामंदी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। आप शारे को मना कर दे अम्मी, मैं बच्ची को अच्छी तरह से जानती हूँ, कभी नहीं मानेंगे। बेवकूफी की बातें मत करो, नेमत भाई गुस्से के तेज हैं और फिर तुम उनकी बहू हो, तुम्हारी दूसरी शादी के बारे में सुनके उन्हें झटका तो जरूर लगा होगा ना। लेकिन अम्मी। लेकिन कुछ नहीं, ये वक्ती गुस्सा है और जब वो ठंडे दिल से इस बारे में सोचेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि शारिक से बढ़कर तुम्हारे लिए और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। शारिक साहब जिस तरह से अपनी जोया को देख रहे थे, मुझे तो तभी शक हो गया था कि दाल में कुछ काला जरूर है। वैसे अब्बा जी अब आप क्या करेंगे, जोया और शारिक की शादी होने देंगे? मेरे जीते जी तो ये शादी नहीं हो सकती और जोया इस घर से कहीं नहीं जाएगी। लेकिन रहमत ताई और हाजरा ताई के दिल में तो बेटी की दूसरी शादी के बड़े अरमान जाग रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वो जोया की दूसरी शादी करा के ही दम लेंगे। अगर वो ऐसा करेंगे
तो बिल्कुल ठीक करेंगे। वो जोया के माँ बाप हैं, अगर वो उसका घर दोबारा बसाना चाहते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है। वैसे भी इस माशरे में किसी मर्द के सहारे के बगैर कोई लड़की अकेली नहीं रह सकती। तो सहारा तो शाहनवाज भी दे सकता है। क्या मतलब अब्बा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा हूं मैं? क्या तुझे अपने मरे हुए भाई की बीवी और उसके बच्चे को सहारा देने पर एतराज है? उधर क्या देख रहा है? मेरी तरफ देखकर जवाब दे। क्या तू नहीं चाहता कि तेरे भाई की आखिरी निशानी उसका बच्चा हमेशा के लिए इस घर में रहे? जी अब्बा जी, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। समीर को इस घर में रखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तू जोया से शादी करे, और तुझे जोया से शादी करनी होगी। जोया और शाहनवाज की शादी, ये कैसे हो सकता है? क्यों क्यों नहीं हो सकता? शरा में इसकी गुंजाइश है। एक मर्द एक वक्त में चार बीवियां रख सकता है, तो शाहनवाज दो रख लेगा। देखो, इस शादी से किसी को फायदा नहीं होगा, और फिर ये तो नैना बहू के साथ सरासर जाती है। और फिर नेमत, जब जोया के लिए एक अच्छा रिश्ता मौजूद है तो फिर हम शाहनवाज से शादी क्यों करें उसकी? इसलिए कि आप जोया की शादी करना चाहते हैं और मैं समीर को अपने पास रखना चाहता हूं, और सबसे बेहतर हल यही है कि शाहनवाज और जोया की शादी कर दी जाए। लेकिन नहमत, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैंने इस मसले का हल बता दिया। अगर आप फिर भी आनाकानी करेंगे तो मैं ये समझ लूंगा कि आप अपने बड़े होने का फायदा उठाते हुए मेरी हर बात से इख्तलाफ करना अपना फर्ज समझते हैं। मैंने पीर साहब से बात कर ली है, अगले जुमे को हम निहायत सादगी से जोया और शाहनवाज का निकाह करेंगे। मैं जरा छुरी तले दम लो, सारे फैसले खुद ही किए जा रहे हो, हमें सोचने तो दो ना। ठीक है, सोचें आप, लेकिन एक बात आप अपने जहन में रखिएगा कि जोया की अगर शादी होगी तो शाहनवाज से होगी, और अगर आप अपनी मर्जी से शारिक से शादी करना चाहते हैं तो समीर यही रहेगा। जोया को समीर को छोड़ना होगा यहां मेरे पास। अम्मा भी ठीक कह रही है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। समीर नेमत का खून है और वो हरगिज उसे खुद से दूर नहीं करेगा। क्यों हम नेमत भाई की इज्जत की खातिर अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर दें? कितने खुलूस और चाह से उसने जोया का रिश्ता भेजा है, कितनी मदद की है उसने हमारी बेटी की, हम उसे इनकार कैसे कर देंगे? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं शारिक को खुद मना कर चुकी हूं, मुझे उनसे शादी नहीं करनी। लेकिन क्यों बेटा, क्यों वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती? पता नहीं मां, सिर्फ अपना फैसला सुना है, कोई सवाल करने नहीं दिया, बस इतना कहा कि हमारे सितारे नहीं मिलते। बाजी चाय। शुक्रिया डॉक्टर।
सोया। जी मैं। आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? आप यही चाहते थे ना कि मैं ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो जाऊं, ताकि आप अपने पोते को हर वक्त देख सकें। मैं इसलिए यहां आ गई हूं। आप फिक्र मत करें अब्बा जी, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। लेकिन बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी और शाहनवाज भाई की शादी के बारे में मत सोचें। मैं उनको अपना बड़ा भाई समझती हूँ, प्लीज उन्हें वही रहने दें। मैं जानती हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत ज्यादती की है। मैंने तुमसे कहा था कि शारिक की जिंदगी से चली जाओ, लेकिन आज मैं तुमसे माफी मांगती हूं। प्लीज सोया, शारिक की जिंदगी में वापस आ जाओ। नहीं रह सकता वो तुम्हारे बगैर। मेरे बेटे की जिंदगी में वापस आ जाओ जोया, प्लीज। आंटी प्लीज, आप मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा तो मत करें। मुझे आपसे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। तो फिर शादी से क्यों इनकार कर रही हो तुम? क्या सभा की वजह से? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके बेटे का साथ मेरे नसीब में नहीं है, बल्कि मेरे नसीब में तो किसी का भी साथ नहीं लिखा। जोया, 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 जोया बेटा, नेमत भाई तुम्हारी शारिक से शादी किसने मान गए हैं? मैं ना कहती थी कि नेमत भाई का गुस्सा वक्ती है। सोया बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, ना तुम्हें अब बेवा बन के रहना पड़ेगा और ना ही उस शाहनवाज की दूसरी बीवी। क्या हुआ बेटा? आप लोग एक बात नहीं जानते। कौन सी बात? शारिक, पहले से शादीशुदा है। शारिक, शारिक, जोया के घर वाले मान गए।
कह रही हैं माँ? मैंने खुद फोन सुना है। उसके घर वाले राजी नहीं थे, इसीलिए शायद उसने तुम्हें इनकार किया। अब वो राजी हो गए। यस, यानी अब शारिक और जोया की शादी होगी और जोया वापस घर आ जाएगी और मेरी इससे जान छुट जाएगी। यस 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 यस, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। जोया देखो बेटा, ये जेवर अजमेर की नानी ने अजमेर की दुल्हन के लिए रखा था। तुम्हारी अमानत तुम्हारे सुपुर्द करने में बहुत देर हो गई बेटा। खुश रहो, हमेशा खुश रहो और अल्लाह ताला तुम्हें वो सारी खुशियां अता करे जो मेरे अजमेर तुम्हें देना चाहता था। जीती रहो, खुश रहो बेटा, सदा खुश रहो। मुझे माफ कर दो सोया, पता नहीं कौन सा बैर बांध लिया था मेरे तुमसे। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी और अजमेर की खुशियों को मेरी नजर खा गई। कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी, मेरी और अजमेर की जुदाई मेरी किस्मत में लिखी थी। अरे लड़कियों, तुम लोगों ने भी क्या रोना धोना डाल दिया। नायला बेटा जरा जाके मेहमानों को तो देखो, उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। कितने अरसे के बाद मैंने शारिक को इतना खुश देखा है। मैं तो तरस गई थी उसकी मुस्कुराहट के लिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जोया, तुमने मुझे मेरा हंसता मुस्कुराता शारिक वापस लौटा दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं किसी पे कोई एहसान नहीं करी आंटी, जो खुद खाली हाथों वो किसी को क्या दे सकते हैं। जोया, 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 जोया आप कहाँ चली गई थी? कितना मिस किया मैंने आपको। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अरे वाह फूफा, आप देख रही हैं ये कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह, अल्लाह मियां इसे हमेशा खुश और आबाद रखे।
सोया, आपका बेटा कहाँ है? गेरा आ गया। कैसी हो सबा? सोया, मुझे ना आपका बेबी चाहिए। कितना प्यारा है, मैंने कितना मिस किया आपको। आप मुझसे दूर क्यों चले गए थे? जोया, अब तो आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगी ना? आपकी वो घर वाले, वो आपको दोबारा लेने तो नहीं आएंगे ना? अब जोया कहीं नहीं जाएगी, यही उसका घर है और हम ही इसके घर वाले। अब ये कहीं जाके तो दिखाए। ठीक है, अब तुम हमारे साथ रहोगे और आप भी। नफीसा, तुम? अरे आपा, बगैर इतला के एक फोन तो कर दिया होता। अचानक ही इरादा बन गया था। असल में करीम बहुत दिनों से सबा को याद कर रहे थे, लेकिन आपको तो पता है डॉक्टर्स ने उनको ट्रैवलिंग से मना किया, तो बोले कि तुम जाके मिलाओ सबा से। करीम की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, पहले से तो बहुत बेहतर है। सबा नजर नहीं आ रही है, शारिक के साथ कहीं बाहर गई हुई है। वो सो रही है। सो रही है इस वक्त? ये सोने का वक्त तो नहीं है उसका। हाँ, वो दरअसल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो शारिक ने उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया। क्या हुआ है आपा, मेरी बेटी ठीक तो है ना? घबराने की कोई बात नहीं है नफीसा, अभी थोड़ी देर में जाग जाएगी तो तुम मिल लेना उसे। आज शारिक भी नजर नहीं आ रहा, आज तो संडे है। हाँ, वो उसने शॉपिंग करनी थी तो मार्केट तक गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाऊँ? वो लड़की यही है या चली गई है? कौन लड़की? क्या बात है आपा, आप क्यों आज इतनी गायब दिमाग हो गई हैं? मैं जोया की बात कर रही हूं। ओह, अच्छा अच्छा, तुम जोया की बात कर रही हो। जाहिर है, वही तो एक लड़की है जो हम सबके लिए अजाब बन गई है। मैं आपको बता रही हूं आपा, इसी दिन शारिक की ये हमदर्दी हम सबके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। ले, आ गया शारिक। नफीसा, नफीसा रुक जाओ, रुको नफीसा, नफीसा मेरी बात सुनो। नफीसा, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी जुरत कैसी है कि तुम शारिक के साथ इतना ज्यादा फ्री हो जाओ? हाँ, मेरी बेटी बीमार है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम घर की मालकिन बन के बैठ जाओ। मामी, खबरदार जो तुमने एक लफ्ज भी बोला। मैं ऐसी लड़कियों को बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ, इनके सारे ट्रिक समझती हूँ मैं। मामी, चुप कर जाओ। ये तुम्हारी शेप इतनी जुरत कर रही है कि मेरी बेटी की जगह लेने के ख्वाब देख रही है? मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। निकलो, इसी वक्त निकलो यहां से। प्लीज, क्या कर रही हैं आपकी? कहीं नहीं जाएगी ये। क्यों? क्योंकि ये इसका भी घर है। क्या मतलब? जोया मेरी बीवी है,
मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप हमारे साथ ऐसा करेंगे। कितना ख्याल रखा आप लोगों का। करीम ने सारी जिंदगी आपका और शारिक का ख्याल रखा और इतना बड़ा धोखा दिया आपने हमें, हमसे छुपकर शारिक की दूसरी शादी करवा दी, मेरी बेटी पर सौतन लाकर बिठा दी, ये सिला दिया आपने हमें हमारे एहसानात का। ऐसे तो बड़ा प्यार और मोहब्बत जिता दी आप सबा के साथ, ये है आपका प्यार। सबा से मेरी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन शारिक मेरी औलाद है। देखो नफीसा, जिस तरह तुम सबा को खुश देखना चाहती हो, मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। इसीलिए आपने उसकी दूसरी शादी करवा दी। वाह आपा वाह, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, इंसान जब खुद गर्जी पर उतर आए ना तो वो अपने सिवा किसी का नहीं रहता। किस कदर ढिटाई से आप मुझे ये जवाब दे रहे हैं। आपने तो ये भी नहीं सोचा कि ये बात जब करीम को पता चलेगी तो उन पर क्या बीतेगी। कितना मान था उन्हें आप पर। शारिक ने सभा को छोड़ तो नहीं दिया, उसकी जिम्मेदारियां उसी तरह निभाता रहेगा जिस तरह अब तक निभाता आया है। हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं थी, हमने उसकी शादी शारिक से सिर्फ उसकी तबीयत की वजह से करवाई थी। सोचा था अपना खून है, आंखों के सामने पला बड़ा है, धोखा नहीं देगा, लेकिन क्या फायदा हुआ, वही हुआ ना जिसका डर था। और ये जो आप शारिक की जिम्मेदारी का डंका पीट रही है ना, उसकी असलियत भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। ये लड़की जब उसकी कुछ भी नहीं लगती थी तो वो दीवाना वार उसके आगे पीछे घूमता था, और अब तो वो कुछ भी उसके लिए कर ले कम है। नफीसा अब ऐसी कोई बात, बस बस रहने दे। आपने जो कुछ हमारे साथ किया है उसके बाद मुझे आप पर कोई एतबार नहीं। आपने अच्छा नहीं किया, करीम के साथ सबा के साथ आपने अच्छा नहीं किया। कैसी लग रही हूं मैं? सिंपली ब्यूटीफुल। थैंक यू। अच्छा छोड़ो ना, आज घर पे टाइम स्पेंड। जी नहीं, हम लेट हो रहे हैं, चले। ओके वैसे भी मेक अ परफेक्ट कप। चले चले। थैंक यू। यू वेलकम। अलैकुम, आप आ गए? वालेकुम सलाम।
जोया कहाँ पर? पता नहीं, उसे कहना मुझे एक चाय की प्याली दे दे। ये देखो, आज चाय मैंने खुद बनाई। अरे तुमने क्यों खुद बनाई? नाजिम को कह देती ना। क्यों, मैं चाय क्यों नहीं बना सकती? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, तो तुम्हारी तबीयत के ख्याल से कह रही थी। मेरी तबीयत? क्या हुआ मेरी तबीयत को? क्या नजर आ रही हूं मैं तुम्हें? तुम्हारी तबीयत के ख्याल से कह रही थी। बीमार नजर आ रही हूं? बीमार हूं? आज मैं शारिक को अपने हाथों की बनी हुई चाय पिलाऊंगी। मैंने बनाई है भाई, जगह दो मुझे। ये चाय तुमने बनाई है? प्लीज सबा मत जाया करो किचन में, नौकर है ना इस काम के लिए। मैं चाय बनाने गई थी आपके लिए। लेकिन ना जाया करो ना किचन में, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या हुआ है मेरी तबीयत को, जिसे देखो हर वक्त मेरी तबीयत के बारे में बात करता रहता है? अरे रिलैक्स, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, क्या हो गया? अच्छा लाओ चाय दो। बनाइए। कैसी बनी है? बहुत अच्छी। हाँ जोया, कैसी हो? एक काम करो ना, एक अच्छा सा कप इसी तरह का जोया को भी बना के दो, ताकि उसको पता चले अच्छी चाय कैसी होती है। आप सच कह रहे हैं? ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। मुझे पता नहीं था आप झूठ भी बोलते हैं। यार कभी कभार जान बचाने के लिए झूठ बोलना ही पड़ता है। अगर ये कह देता ना कि चाय अच्छी नहीं है, तो कप मेरे सर पे मार देती। बहुत दिल से बना के लाई थी, बहुत गलत बात है। चाय वाकई बहुत बुरी है, पी के देखो। माँ कहाँ पर है? वो उनको मेडिसिन लेनी थी, तो उन्होंने पहले खाना खा लिया, तब सो गई हैं। क्या कर रही हो सब आप? ठीक तरह से खाना खाओ ना भाई। खाना बहुत अच्छा बना, मैं तो सोच रहा हूँ कुक को फायर ही कर दूँ। इतना अच्छा खाना खाने के बाद उसके हाथ का बच जाएगा खाना कौन खाएगा? क्या अच्छा लग रहा है आपको उसमें? ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। तुम ये कैसे कह सकती हो सबा? तुमने तो अभी तक चखा भी नहीं। मुझे नहीं खाना ये खाना, कितनी स्मेल आ रही है इसमें से, पता नहीं क्या डाला है इसमें। सबा 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 रुको, रहने दो, रहने दो, रहने दो, ऐसे ही करती है। तुम खाना खाओ आराम से,
मैंने कहा है ना आपको कि आप ये खाना मत खाएं, ये अच्छा खाना नहीं है, नहीं है अच्छा खाना। जोया को खाना बनाना नहीं आता, नहीं आता। शारिक, शारिक देखे ना, मुझे भूख लग रही है, मैंने खाना नहीं खाया। आप जाके बाहर से मेरे लिए खाना ला दें प्लीज, प्लीज ना। प्लीज सबा, क्या हो गया तुम्हें? समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही, या आपको सिर्फ जोया की आवाज समझ आती? मैंने कहा मुझे भूख लग रही है तो जाके खाना लेकर आए ना, उठे जाए। ये जब तक नहीं जाएंगे जब तक जोया बैठी बोले। शारिक आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, मुझे कसम से बहुत भूख लग रही है, जाए ना जाके कुछ लेकर आए मेरे लिए। गॉड सेक सभा, आराम से बैठ के खाना खा लो। सभा कुछ चाहिए क्या? सभा क्या हुआ? बाहर जाए यहां से। अरे बताओ तो क्या बात है, क्या चाहिए? सुना नहीं मैंने क्या कहा? बाहर जाए यहां से, बाहर जाए। अरे मैं शारिक के लिए चाय बना रही हूं। ओह चाय बना रही हूं शारिक के लिए। तुमने मुझे पहले आवाज क्यों नहीं दी? क्या हो गया तुम्हें सभा? सोया पीछे हटो। शारिक मेरी बात सुनो। शारिक मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। मैं टाइम पे आ गया, वरना पता नहीं क्या कर लेती वो। अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही लगा रहने दो। पता नहीं क्या हो गया सभा को, आज से पहले उसने किसी को हर्ट नहीं किया इस तरह। मुझे लगता है मुझे उसके साइकाइट्रिस्ट से बात करनी पड़ेगी। देखो तुम्हें जरा ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी अब, पता नहीं वो क्या कर ले किस वक्त। और समीर को भी उसको ना देना, आई डोंट ट्रस्ट हर। आप फिक्र नहीं करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, और तो थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगा। शारिक, शारिक सभा ने गर्म खौलता हुआ पानी अपने हाथ पर गिरा लिया है। हाँ हाँ बेटा जल्दी करो। गॉड से वादा किया था, इसको कभी दुख नहीं दूंगा। भूल गया मैं सब कुछ, इतने बुरे तरीके से डांटा मैंने, ये अपने होश में नहीं थी, लेकिन मुझे तो खुद पे कंट्रोल करना चाहिए था। फिक्र नहीं करें शारिक,
सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने इसका गुस्सा देखा है, नफरत सही है इसकी। लेकिन मैं इसे इस हालत में नहीं देख सकता। तुमने हमसे छुपकर दूसरी शादी की और हम चुप रहे, लेकिन तुम मेरी बेटी के साथ नाइंसाफी करो इस पर मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं सभा के सामने इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो मुझे देख के घबरा जाती है। मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूं? सब बहाने हैं ये। असल बात तो ये है कि तुमने उसे बीवी की हैसियत से कभी कबूल ही नहीं किया। तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हारे इस तरह से इग्नोर करने से वो कितना हर्ट हुई है। देखो शारिक, सभा की ऐसी हालत नहीं है कि वो कोई ज़हनी दबाव या नाइंसाफी बर्दाश्त कर सके, और मैं तुम्हें उसकी मजीद हक तलफी नहीं करने दूंगा। बेटा बेहतर यही है कि तुम दो बीवियों के साथ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें सभा को बीवी होने के सारे हुकूक देने होंगे। मैम, सर आपको बाहर बुला रहे हैं। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बैठो बेटा। देखो बेटा, सभा मेरी इकलौती बेटी है और हमने शारिक से उसकी शादी इसलिए करवाई थी कि उसकी ज़हनी हालत में बेहतरी आ सकती है। जी, मैं जानती हूँ। तो फिर तो तुम ये भी जानती होगी कि तुम्हारे चक्कर में शारिक सभा को टाइम नहीं दे पा रहा और इससे उसकी तबीयत मजीद खराब होती जा रही है। या फिर तुम जानबूझकर उसे सभा से दूर रखती हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कभी भी शारिक को सभा से दूर करने की कोशिश नहीं की है। बस बस, मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सब जानती हूँ मैं, सब कुछ अपनी आंखों से देखा है मैंने, कैसे तुम शादी से पहले शारिक के दाएं बाएं घूमती थी। प्लीज मामी, आपको कोई हक नहीं पहुंचता जोया से इस तरीके से बात करने का। और रियली, सारे हुकूक तो तुम्हारे पास है, जो जी में आए करते फिरो। इस बहस का कोई फायदा नहीं है नफीसा, जो होना था वो हो चुका है। देखो बेटा, हमने तुम्हें शारिक की बीवी की हैसियत से कबूल कर लिया है, लेकिन तुम्हें भी एक हकीकत को तस्लीम करना होगा, और वो ये कि शारिक तुम्हारी तरह सभा का भी शौहर है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि शारिक सभा के साथ भी उसी तरह रहे जिस तरह वो तुम्हारे साथ रहता है। हमारा मजहब भी बीवियों के दरमियान इंसाफ और बराबरी का दर्श देता। शारिक अगर
सबा को अपनी बीवी की हैसियत दे तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? जी नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस तो फिर एक बात तय है, शारिक एक एक दिन दोनों बीवियों के पास रहे और इस बात की शुरुआत आज से होगी। I'm sorry. क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। इधर देखो। कितनी प्यारी लग रही है। सोया से भी ज्यादा प्यारी। नहीं ना, जब तो आप डिनर पे भी नहीं लेके जाते मुझे और ना ही अपने दोस्तों से मिलवाते, और वो चेन जोया ने पहनी है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, इसलिए आपको मैंने वो अच्छी लगती है। वो है तो एक मजबूरी हूं आपकी, अच्छी तो वो लगती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, समझ रही। मुझे पता है सब, मेरा घर मेरा शोर सब कुछ छीन लिया आपने। तू यहाँ क्यों रह रही है? क्यों रह रही है भाई? इसे आप निकाल के रहूंगी, निकाल के दम लूंगी। कहाँ जा रही हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रही है? मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। छोड़ दो मुझे। क्या कर रही हो? होश करो। क्या हुआ सब? आप कैसी है? आप लोगों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है। अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत अहम है, आप लोग दुआ करें कि उन्हें होश आ जाए। शारिक, सबा को कुछ नहीं होगा, आप प्लीज हौसला रखें। ये सब मेरी गलती है, सभा की ये हालत मेरी वजह से है। आप खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? इसमें आपका क्या कसूर है? कसूर है, मेरा ही कसूर है। मैंने अपने दिल की बात सुनी, ये मेरा कसूर है। मैंने तुमसे शादी की, ये भी मेरा कसूर है। अगर मैं तुमसे शादी ना करता तो सभा की ये कंडीशन कभी ना होती। क्या मिला इस शादी से? तुम भी खुश नहीं हो, मैं भी खुश नहीं हूं, और सबा
सबा आज मौत के मुंह में पड़ी है। ये वो लड़की है जो मुझे खुद से भी ज्यादा अजीज है। आज मेरी वजह से मौत के बिस्तर पे लेटी है। मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की। मेरी पहली जिम्मेदारी तो सबाई थी। चले जाओ यहां से इस बार, खुदा के लिए यहां से चली जाओ प्लीज। प्लीज चले जाओ यहां से। समझिया समझिया दिल दिया गलिया समझिया मेरिया बाबा आ जा तेरिया खुशबुआं लब दिया मेरिया सा तेरे बिना के मैं करा दूर दास तेरे बाजू। मुबारक हो डीसी साहब, अल्लाह ने आप लोगों की दुआएं सुन ली, आपकी बेगम को होश आ गया है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अब वो खतरे से बाहर, थोड़ी ही देर में उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप लोगों ने मिल लीजिएगा। बट रिमेंबर शी नीड एक्स्ट्रा केयर। थैंक यू। जी सर, तुमने जोया मैडम को देखा? नहीं सर, मैंने आज उन्हें सुबह से नहीं देखा। क्या मतलब? सर मैं तो ये समझा कि वो आपके साथ हॉस्पिटल में। नहीं रात, ड्राइवर को बुलाओ। राइट सर। जी सर, तुमने रात को जोया मैडम को कहाँ छोड़ा? सर रात को तो गाड़ी लेके आया था, लेकिन सुबह मैम ने बोला कि मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दे। एयरपोर्ट? जी सर। क्यों, कहाँ जा रही थी? सर बताया नहीं। कितने बजे? तकरीबन 9 बजे का टाइम होगा। ठीक है तुम जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, शारिक बात कर रहा हूँ, जोया का हस्बैंड। अरे शारिक बेटा, कैसे हो तुम? जोया और समीर कैसे हैं? हेलो जी, मैं ठीक हूँ, जोया और समीर भी ठीक है। बेटा मेरी बात करवा दो उनसे। एक्चुअली आंटी, मैं इस वक्त घर पे नहीं हूँ, वैसे काफी दिन हो गए थे तो सोचा आपकी खैरियत मालूम कर।
अरे जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। कभी तुम चक्कर लगाओ ना हैदराबाद। इसे शादी के बाद जोया भी नहीं आई, उसे भी जरा रहने के लिए छोड़ दो। जी मैं जरूर कोशिश करूँगा। अच्छा आंटी, बस आपकी खैरियत मालूम करनी थी। ठीक है, अल्लाह हाफिज, खुश रहो। सोया ऐसी लापरवाह लड़की तो नहीं है, फिर इस तरह अचानक घर छोड़कर कैसे चली गई? उसे तो घर छोड़ के जाने की आदत है। शारिक बेटा, तुम दोनों के दरमियान कोई बात तो नहीं हुई? नहीं, नहीं तो? तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? वो छोटी सी बच्ची तो नहीं है? यू बिना बताए घर छोड़कर चले जाना मामूली बात नहीं है नफीसा, और वो अपने मैके भी नहीं पहुंची है, ये परेशानी की बात है। जाने किस हाल में होगी वो? सारे तुम ऐसा करो कि तुम खुद जाओ एयरपोर्ट पे पता करो जाके, और इस मामले में ज्यादा देर मुनासिब नहीं, तुम जाओ प्लीज, जाओ जाओ जाओ। नफीसा, तुम्हें शारिक के सामने ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, वो पहले इतना परेशान है, ऊपर से तुम। तो मैंने ऐसा क्या कह दिया है? सच्ची तो कहा है, तुम मजे से गई है, किसी ने उसको धक्के दे के तुमने घर से निकाला। आपा ठीक कह रही है नफीसा, जवान लड़की, ऊपर से बच्चे का भी साथ है, तुम बोलने से पहले सोच तो लिया करो। बस करे करी, मुझे जोया से कोई गरज नहीं है, मुझे अगर कंसर्न है ना तो अपनी बेटी की खुशी के साथ, जो उस लड़की की वजह से मत को मत बचे। आप फिक्र ना करें, जोया का पता चल जाएगा, डोंट वरी। आखिर बैठे बिठाए हो क्या गया, क्यों किया उसने ऐसा? मेरी वजह से। मैंने खुद उसको कहा था कि चली जाए यहां से। क्या ये क्या किया तुमने शारिक? हॉस्पिटल में सबा की परेशानी की वजह से पता नहीं मैंने उसको क्या क्या कह दिया। और वो भी कितनी फरमाबरदार बीवी निकली, मेरे एक दफा कहने पे मेरी बात मान ली, चली गई मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए। मैंने अपने बंदे लगाए हैं उसको ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे पता है वो नहीं मिलेगी। ढूंढा तो उसको जाता है ना, जो कहीं खो जाए। जो खुद ही अपनों को छोड़ के चला जाए, उसे बंदा कहां ढूंढे? मुझे पता है वो वापस कभी नहीं आएगी, चली गई मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए, ताकि मैं और सबा खुश रह सके। सबा नाश्ता ले आओ, मुझे देर हो रही है। क्यों उस बेचारी को तंग कर रहे हो शारिक? मजा आता है, अभी आएगी ना तो शक्ल देखना जरा। करीम, बजाय इसके कि तुम उसको मना करो, तुम खुद भी हंस रहे हो। अरे आपा मियां बीवी के मामले में मैं क्या कह सकता हूँ? अभी देखना। सबा मैं जा रहा हूँ, बहुत देर हो गई है, बहुत लेट कर दिया तुमने। वो आप तो हाथ पैर फुला देते मेरे। ये लीजिए आपका फेवरेट ऑमलेट। तुमने ही आदतें बिगाड़ी है इसकी, कुक के होते हुए तुम खुद इसके लिए नाश्ता बना रही हो। मुझे इनकी फरमाइशें पूरी करना अच्छा लगता है। सबा बेटा ऐसे ले लो, बहुत तंग कर रहे हो। लाओ मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं आप नाश्ता करें, परेशान। इट्स ओके। सबा जी एक मिनट। जी अच्छा। और ये
मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ। आपके इन टूर से ना बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। हर महीने कोई ना कोई टूर आ जाता है। क्या करूँ, काम भी तो करना है मुझे। शारिक, आप चले जाते हैं ना तो मैं बहुत अकेली हो जाती हूँ। क्यों हो जाती हो अकेली? सब है तो सही तुम्हारे पास यहाँ, और अब नूर भी। हाँ लेकिन आप तो नहीं होंगे ना। देखो मुझे काम तो करना है, और अब अपने सीनियर्स को मना तो नहीं कर सकते। वैसे भी लाहौर मैंने इसलिए ट्रांसफर करवाया था ताकि अगर मुझे आउट ऑफ सिटी जाना हो तो तुम अकेली ना हो जाओ। ठीक है, चले जाए, अगर जल्दी आ जाइए। ऐसे नहीं, यार से कहो। अच्छा बाबा चले जाए, अब खुश। खुदा हाफिज। शारिक, आई मिस यू। अरे आ रही हूँ भाई, 5 मिनट। सबर नहीं होता क्या? तुम 5 मिनट की बात कर रही हो, कराची आके मुझसे 1 मिनट सबर नहीं होता। तुम दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाते हो? आप भी तो आने में इतनी देर कर रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं यहाँ से 1 मिनट के लिए भी दूर ना जाऊं। कैसी हो? ठीक हूँ। हाँ, मेरा प्रिंस। ओए इधर आओ, कैसे हो? I'm fine papa, but I miss you so much. I miss you too मेरी जान। अरे बेटा, अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चे, मेरे जान। घर से आ गए? जी बिल्कुल। ठीक है ना मेरा बच्चा, आओ मुझे चले अंदर ले चलते हैं। बेटा वहाँ सब खैरियत? जी महबूब, कैसे हैं आप? हाँ सब ठीक है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे टूर में और कितने दिन बाकी हैं? मामू आज ही तो आया हूँ, आपको तो पता है ना कितना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। हाँ मैं समझ सकता हूँ, बस कहीं पकड़े मत जाना। आज तक तो नहीं पकड़ा गया, अब भी नहीं पकड़ा जाऊंगा। अच्छा हाँ वो सुनो, वो सबा को फोन कर लेना, बहुत परेशान हो रही थी। खैरियत? हाँ तुम्हें मिस करती है, तुम्हारे आए दिन के टूर से परेशान है। मैं कर लूंगा। हाँ अच्छा वो जोया और समीर को मेरा प्यार देना। जी जरूर, खुदा हाफिज। जी तेरो, खुदा हाफिज। सजना वे सजना वे दिल नहीं लगदा वे, तेरे बाजू दुनिया ते कुछ नहीं सजदा वे, रावा चुख लो के तेरा तरह इंतजार है।